नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है, कंप्लीट हम करने वाले हैं एक ही क्लास में रुद्रप्रयाग जनपद को मैप के माध्यम से। दोस्तों, यदि आपको इस जनपद के नोट्स चाहिए विद एमसीक्यू तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर बात करें रुद्रप्रयाग के इतिहास की, तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है इसकी स्थापना होती है 16 सितंबर 1997 को। देखो, 1997 को उत्तराखंड के तीन जनपदों की स्थापना होती है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। आरबीसी आपको नोट करना है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत की स्थापना कब होती है, तो 1997 को होती है। और रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई दोस्तों 16 सितंबर 1997 को। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड, और साथ ही साथ महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त के नाम से भी जाना जाता था। रुद्रावर्त के नाम से महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को जाना जाता है। रुद्रप्रयाग, यहाँ पे देखो, ये है रुद्रप्रयाग जनपद का मैप, और ये जो मार्केट है मेन रुद्रप्रयाग है। और ये रुद्रप्रयाग किन नदियों के तट पर स्थित है, तो इधर से यहाँ पे अलकनंदा आती है और ऊपर से मंदाकिनी आती है। तो मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग नदियों के संगम पर बसा हुआ है रुद्रप्रयाग नगर, और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा रुद्रप्रयाग जनपद है जिसकी स्थापना 1997 को की गई थी। आगे बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इसके पूर्व में यहाँ पे चमोली है, ये जो पूरी सीमा है ये चमोली की है, पूर्व में चमोली है। पश्चिम में दोस्तों यहाँ पे है टिहरी गढ़वाल, उत्तर में हो गया उत्तरकाशी, और इसके दक्षिण में हो गया यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल। तो रुद्रप्रयाग जनपद कुल कितने जनपदों से सीमा बना रहा है, चार जनपदों से, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल से। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर, और जो रुद्रप्रयाग जनपद है पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है दोस्तों। कैसा जनपद? आंतरिक, उत्तराखंड का आंतरिक जनपद, यानी ये केवल जनपदों से सीमा बनाता है, नहीं किसी राज्य से सीमा बनाता है और ना ही किसी देश से सीमा बनाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा नहीं करता है। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड का पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है, जो कि किसी राज्य और किसी देश से सीमा नहीं बनाता है। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाए, तो दो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख रूप से रुद्रप्रयाग में है, NH 107 और NH 7। NH 7 जो कि उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके बारे में आपको कई बार बता भी चुका हूं। ये आपका जो कि देहरादून, दिल्ली देहरादून, और फिर ये पहुंच जाता है आपका श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और ये माना तक जाता है NH 7। जबकि जो NH 107 है वो रुद्रप्रयाग से, जहां पे देखो ये तो NH 7 आ रहा है, ये पौड़ी श्रीनगर से, और इस प्रकार से ये जाता है चमोली की ओर। और यहाँ पे से दोस्तों ये जो रुद्रप्रयाग आपको दिख रहा है, रुद्रप्रयाग से एक ऊपर की ओर जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, और ये आपका जाता है गौरीकुंड तक, ठीक है। गौरीकुंड से आगे नहीं जाता है, गौरीकुंड में ये समाप्त हो जाता है, और गौरीकुंड से आगे जो केदारनाथ धाम है वहां तक पैदल यात्रा की जाती है। तो जो नेशनल हाईवे 107 है वो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता है, और केदारनाथ धाम के लिए अगर जाना होता है तो इसी नेशनल हाईवे 107 से जाना पड़ता है। अभी मैं बड़े मैप पे आपको इसको दिखाऊंगा। तो ये भौगोलिक स्थिति और रुद्रप्रयाग का इतिहास दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। अब आगे बात करेंगे और जानेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। यहां से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुप्त काशी की। जो गुप्त काशी है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा कि कहां पे है गुप्त काशी। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है गुप्त काशी, और गुप्त काशी में भगवान शिव को समर्पित दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। तो रुद्रप्रयाग में अब देखो एक विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में भी था, प्रॉपर उत्तरकाशी में, और एक विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे गुप्त काशी में भी है, गुप्त काशी में भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के समीप दोस्तों यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर मंदिर भी है। अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर के ही समीप है, गुप्त काशी में। और विश्वनाथ मंदिर के सामने एक कुंड है, मणिकर्णिका कुंड, जो कि एक प्रकार का ठंडा कुंड है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, तो वो आपका विश्वनाथ मंदिर के सामने गुप्त काशी में है, रुद्रप्रयाग में।
दूसरा स्थल है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग में है और यहाँ पर इस स्थान पर मुनि अगस्त ने तपस्या की थी और मुनि अगस्त की तपोभूमि होने के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा? अगस्त मुनि पड़ा। उसके बाद यहाँ पे मुनि अगस्त के इष्ट देवता अगस्तेश्वर महादेव का भी मंदिर है। नेक्स्ट स्थान है यहाँ पे उखीमठ। काफी प्रसिद्ध स्थल है उखीमठ। उखीमठ में कौन सा मंदिर है? ओंकारेश्वर शिव मंदिर। ये महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? तो ये है उखीमठ में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब केदारनाथ और मदमहेश्वर के कपाट बंद होते हैं, तो शीतकाल में जब कपाट बंद होते हैं केदारनाथ और मदमहेश्वर के, तो केदारनाथ और मदमहेश्वर की जो डोलियां आती हैं वो इसी ओंकारेश्वर शिव मंदिर में आती हैं। यानी केदारनाथ और मदमहेश्वर का जो शीतकालीन आवास है वो है उखीमठ का ओंकारेश्वर शिव मंदिर। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शीतकाल में केदारनाथ और मदमहेश्वर की डोली यहीं पर लाई जाती है उखीमठ में। साथ साथ ऐसा भी माना जाता है इतिहास में, प्राचीन में, ये स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है कि जो बाणासुर की पुत्री थी उषा व अनिरुद्ध का विवाह जो हुआ था वो इसी स्थल पर हुआ था। इसलिए इस स्थल का नाम क्या पड़ गया? उखीमठ पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो है चोपता। चोपता प्रसिद्ध स्थल है रुद्रप्रयाग जनपद का और यहाँ पे एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है चोपता। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि चोपता हिल स्टेशन किस जनपद में है? तो वो है रुद्रप्रयाग में। चोपता के निकट एक कुंड भी है, बनिया कुंड। बनिया कुंड नामक एक प्रकार का यहाँ पे एक जंगल भी है बनिया कुंड में। और यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक भी बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई होगी 20 फीट। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बताया था कि जो चोपता है यहाँ पर उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक भी बनाया जाएगा इस बनिया कुंड नामक जगह में। तो बनिया कुंड जंगल कहाँ है? ये है आपका चोपता में। उसके बाद ये तो प्रमुख स्थल थे दोस्तों, इससे मतलब महत्वपूर्ण कोई अन्य स्थल है नहीं वैसे, और अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे क्योंकि रुद्रप्रयाग छोटा जनपद है और जहां से मोस्टली प्रश्न बनते हैं जनपद सीरीज से, जैसे देहरादून से, चमोली से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन जिलों से दोस्तों अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीन जनपद में आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी, जो कि गढ़वाल के बड़े बड़े जनपद थे। अभी हम आज यहाँ पे रुद्रप्रयाग के बारे में बात करेंगे। तो रुद्रप्रयाग से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। मंदिरों की बात की जाए तो पहला जो मंदिर है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है और पंच केदारों में से एक केदार है। केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो यह है मंदाकिनी नदी के तट पर। केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल में, तो केदारनाथ धाम के जो कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ का जो शीतकालीन आवास है दोस्तों वो है उखीमठ। उखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, मैंने इसके बारे में ऊपर भी आपको बताया था, उखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है जो कि केदारनाथ का शीतकालीन आवास है। और जो केदारनाथ मंदिर है ये कत्यूरी शैली से बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर और ये कत्यूर शैली से बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा केदार है, देखो पंच केदार, पंच केदार में से जो तीन केदार हैं, पंच केदार में से तीन केदार ये कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में है। जबकि जो दो केदार हैं ये आपके चमोली में है। तो जो चमोली में दो केदार हैं वो मैंने आपको चमोली वाली जो जिला सीरीज है, जो चमोली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने दोस्तों उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया है। तो हम यहाँ पे मदमहेश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मदमहेश्वर जो कि पंच केदारों में से दूसरा केदार है और मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास भी कहाँ है दोस्तों? ये उखीमठ में है। एक बार दोस्तों मैं मैप में आपको दिखा देता हूं इन सभी मंदिरों के बारे में, तब चर्चा करेंगे। ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद का मैप। एक बार इसको ऐसे में देख लीजिए आप, और फिर मैं इसको जूम करता हूँ क्योंकि आपको फिर अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है। अभी हम रुद्रप्रयाग जनपद के उत्तरी भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये केदारनाथ धाम है, केदारनाथ मंदिर। यहाँ से ये चोराबाड़ी ताल है केदारनाथ मंदिर के ऊपर, और चोराबाड़ी ताल के ऊपर यहाँ पे चोराबाड़ी ग्लेशियर भी है। तो जो मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है वो यहीं से होता है। और जब जून 2013 में दोस्तों आपदा आई थी, भयंकर आपदा केदारनाथ में, तो इसी चोराबाड़ी ताल के टूटने के कारण इस मंदाकिनी नदी पर एकदम से अधिक पानी आ गया था, पानी का बहाव तेज हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे केदारनाथ में आपदा आई थी। क्योंकि केदारनाथ के जस्ट ही ऊपर है
चोराबाड़ी ताल, तो ये यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। उसके बाद देखो जो दूसरा केदार है रुद्रप्रयाग में, ये मधमहेश्वर यहाँ पे है, और मधमहेश्वर के ऊपर बुढ़ा मधमहेश्वर मंदिर भी है, एक बुढ़ा मधमहेश्वर मंदिर भी कहाँ है आपका केदारनाथ में, उसमें रुद्रप्रयाग जनपद में है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये वासुकी ताल है, ये यहाँ पे गौरीकुंड नामक स्थल है। देखो नेशनल हाईवे में आपको बता रहा था ना, नेशनल हाईवे, तो ये जो नेशनल हाईवे है दोस्तों ये है NH7, ये आपका श्रीनगर से आ रहा है NH7 श्रीनगर गढ़वाल से, और ये रुद्रप्रयाग तक आता है, और रुद्रप्रयाग से ये फिर जाता है गोचर, और फिर ये चमोली में कहां जाता है इस प्रकार से माणा तक जाता है, इस यहां पे है माणा लगभग, ठीक है। मैंने ये चमोली के मैप में आपको डिटेल्स में समझा भी रखा है। NH7 से ही एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है NH107, NH107, और ये रुद्रप्रयाग से जाता है अगस्त मुनि से दोस्तों ये गुप्तकाशी पहुंचता है। देखो स्थल भी देख लो कौन है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है, और फिर गुप्तकाशी से ये आगे बढ़ता है NH107, और यहाँ पे सोनप्रयाग पहुंच जाता है, सोनप्रयाग से ये पहुंच जाता है गौरीकुंड, और यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। और गौरीकुंड से अगर केदारनाथ तक जाना होगा तो यहाँ से पैदल मार्ग है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नेशनल हाईवे है, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ अन्य मंदिरों को देख लेते हैं। ये कोटेश्वर मंदिर है रुद्रप्रयाग में, ये कार्तिक स्वामी मंदिर है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है, और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे उखी मठ है, एक बार जूम कर लेते हैं इसको, ये उखी मठ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और उखी मठ में कौन सा मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर। ये मैप दोस्तों आपको इसी प्रकार से फुल HD में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF दी गई है डिटेल्स वाली, तो सभी 13 जनपदों के नोट्स, सभी 13 जनपदों के मैप और MCQ उस PDF में आपको मिल जाएंगे। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसे ले सकते हैं, या गूगल पे सर्च कीजिए zardariclasses.in। उसके बाद यहाँ पे देखो ये गुप्तकाशी है, तो गुप्तकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहाँ है, वो गुप्तकाशी में ही स्थित है। यहाँ पे ये वसुकेदार मंदिर है, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो त्रियुगी नारायण मंदिर भी है, त्रियुगी गांव रुद्रप्रयाग में। तो ये सभी मंदिरों के बारे में आप समझ गए होंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। अब हम बाद में दोबारा इस मैप में लौटेंगे जब मैं आपको रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे मधमहेश्वर हमारा हो गया था, केदारनाथ भी हो गया था, बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। तुंगनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर भी है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर अगर देखा जाए तो ये पंच केदारों में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर, और इस तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर के निकट दोस्तों दो प्रमुख शिलाएं हैं, रावण शिला और चंद्रशिला। तो रावण शिला और चंद्रशिला जो पर्वत है, चंद्रशिला पर्वत कहाँ पर है या रावण शिला कहाँ पर है, तो ये आपके तुंगनाथ में स्थित है। तुंगनाथ का शीतकालीन आवास पूछा जा सकता है, तो इसका शीतकालीन आवास है मक्कूमठ। देखो केदारनाथ और मधमहेश्वर का जो शीतकालीन आवास है वो उखी मठ है, जबकि तुंगनाथ का जो शीतकालीन आवास है वो है मक्कूमठ। उसके बाद तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है तुंगनाथ। और ये मंदिर भी किस शैली से बना हुआ है, जिस शैली से केदारनाथ मंदिर बना हुआ है, यानी कत्यूरी शैली से बना है तुंगनाथ मंदिर। तो तीन केदार हो गए आप यहाँ पे, ठीक है, केदारनाथ, मधमहेश्वर और तुंगनाथ। बाकी रुद्रेश्वर और कल्पेश्वर जो मंदिर है वो चमोली में है, जो अन्य केदार, ठीक है, ये चमोली में है, ये मैंने आपको चमोली वाली वीडियो में बता दिए थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे त्रियुगी नारायण मंदिर, ये त्रियुगी गांव रुद्रप्रयाग में है, मैंने आपको मैप के माध्यम से भी अभी बता दिया है कि कहाँ पर है ये, रुद्रप्रयाग के त्रियुगी गांव में। यहाँ पर इसकी विशेषता है ये है कि इसमें लगातार अग्नि ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित होती है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है त्रियुगी नारायण मंदिर। और यहाँ पर तीन कुंड हैं, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव का विवाह इस स्थल पर हुआ था तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा इस मतलब विवाह में शामिल हुए थे, और उन्होंने इन कुंडों में स्नान भी किया था। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो त्रियुगी नारायण मंदिर है ये भी आपका कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है दोस्तों।
उसके बाद कार्तिक स्वामी मंदिर, ये भी आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के कनकचोरी गांव में भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी का मंदिर है। उसके बाद वसु केदार मंदिर, तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और इस मंदिर की विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें भूमिगत शिवलिंग है, भूमिगत शिवलिंग कहाँ है, तो वो है आपका वसु केदार में। इस मंदिर का निर्माण भी किसने कराया, तो गुरु शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और ये मंदिर भी दोस्तों यहाँ पे कत्यूली शैली से निर्मित है। और यहाँ पे अनेक छोटे छोटे मंदिर भी इसके आसपास स्थित है, वसु केदार मंदिर के। उसके बाद है कालीमठ मंदिर, कालीमठ मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। सिरकटा गणेश मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है सोनप्रयाग, तो यहाँ पर सिरकटा गणेश मंदिर है। देखो यहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर और सिरकटा गणेश मंदिर, क्योंकि गणेश और कार्तिक भगवान शिव के पुत्र थे, तो भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर हैं रुद्रप्रयाग में, साथ ही साथ इनके दोनों पुत्रों के कार्तिक स्वामी मंदिर और सिरकटा गणेश मंदिर भी कहाँ है, वो रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, तो ये आपका सोनप्रयाग में है। बाणासुर मंदिर, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और हरियाली देवी मंदिर, तो ये प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों आपको नोट करने हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है और किस स्थल पे है, ये मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में। सबसे पहला मेला है यहाँ पे जाख मेला। जाख मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गुप्त काशी में आयोजित किया जाता है जाख मेला। गुप्त काशी में एक जाख देवता मंदिर है और जाख देवता मंदिर के उसमें लगता है, आंगन में लगता है यहाँ पे जाख मेला। उसके बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है बैसाख माह में। और इस मेले की विशेषता ये है कि जो जाख देवता का पशुआ होता है वो जलते अंगारों पर नृत्य करता है। आपने जो रुद्रप्रयाग के होंगे, जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है यहाँ पे जाख देवता के पशुआ द्वारा। तो जाख मेला कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग में लगता है, गुप्त काशी में, ठीक है। दूसरा है भतूज मेला, इसको अन्नकूट मेला भी दोस्तों कहा जाता है। और ये मेला लगता है केदारनाथ में, रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व, केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व भतूज मेला या अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा है मठियाणा मेला, मठियाणा मेला ये रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड में आयोजित किया जाता है। वहां पर मठियाणा माँ का मंदिर है, तो मठियाणा मेला भी कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग के जखोली में। चौथा है हरियाली देवी मेला, ये भी रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध मेला है। और पांचवा है वासुदेव मेला, ये भी आयोजित किया जाता है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद रुद्रप्रयाग में एक प्रमुख यात्रा दोस्तों आयोजित की जाती है, जिसका नाम है मनणा माई की जात। मनणा माई की जात दोस्तों ये उखीमठ विकास खंड में आयोजित की जाती है, उखीमठ में आयोजित। उखीमठ में कहां आयोजित होती है, तो जो मदमहेश्वर घाटी है उखीमठ में, वहां पर ये आयोजित की जाती है, उखीमठ में, मदमहेश्वर घाटी। और जो ये मनणा माई की जात है, इसमें मनणा माई की डोली रांसी गांव से मननी बुग्याल तक जाता है। तो इसमें देखो दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं, मनणा माई की जात कहां से शुरू होती है, तो रांसी गांव। और ये रांसी गांव कहां है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में, रांसी गांव से मनणा बुग्याल। और मनणा बुग्याल कहां है, आपका मननी बुग्याल, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। तो रांसी गांव से लेकर मननी बुग्याल तक मनणा माई की डोली को ले जाया जाता है और फिर वापस रांसी गांव में राकेश्वरी मंदिर में लाई जाती है। तो इस प्रकार से मनणा माई की यात्रा या यात्रा आयोजित की जाती है रुद्रप्रयाग जनपद में। तो रुद्रप्रयाग जनपद की प्रमुख यात्रा है मनणा माई की जात। तो ये प्रमुख यात्राएं और प्रमुख मेले जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की। अब हम दोस्तों यहाँ पे रिवर सिस्टम देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद का। तो पहले रिवर सिस्टम को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से भी आपको नोट्स यहाँ पे नोट करवाएंगे। तो ये देखो पहले इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रमुख मंदिर बताए थे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है और नेशनल हाईवे मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो एक प्रमुख नदी बहती है रुद्रप्रयाग में, वो है मंदाकिनी नदी।
तो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है वो चोराबाड़ी ताल या चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। ये चोराबाड़ी ग्लेशियर मंदराचल श्रेणी में स्थित है केदारनाथ में। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर या चोराबाड़ी ताल, यहीं से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का, यहां से ये पहुंच जाती है केदारनाथ में। केदारनाथ से ये आगे बढ़ती है दोस्तों और पहुंच जाती है गौरीकुंड में, फिर ये आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है यहाँ पे सोनप्रयाग में। तो पहली जो इसके सहायक नदी है जो सबसे पहले इससे संगम करी है वो है यहाँ पे सोनगंगा। अब सोनगंगा को दोस्तों यहाँ पे देखो, सोनगंगा का और मंदाकिनी का, ये मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है और ये है सोन नदी, ये यहां से इसको सोनगंगा भी कहा जाता है। तो सोनगंगा और मंदाकिनी का जो संगम स्थल है वो है सोनप्रयाग, सोनगंगा के नाम से सोनप्रयाग। इस सोनगंगा को दोस्तों वासुकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे व्यक्ति जो मैप को जूम करने के लिए बोल रहे थे, तो आज मैं काफी जूम इसको कर रहा हूं, वैसे ये फुल HD में है, ठीक है। तो ये मैप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सोनगंगा है, सोनगंगा को वासुकी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये वासुकी ताल से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे वासुकी ताल है जहां से सोनगंगा या वासुकी गंगा का उद्गम हो रहा है, फिर ये आगे बढ़ रही है और सोनप्रयाग में ये अलकनंदा से संगम करती है। फिर सोनप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है यहाँ पे कालीमठ नामक स्थल पर। कालीमठ में, कालीमठ के निकट कौन सी नदी इसका संगम करेगी, तो मधुगंगा। मधुगंगा कहां से इसका उद्गम हो रहा है, मधमहेश्वर घाटी से। ये जो मधमहेश्वर मंदिर है इसके निकट से दोस्तों यहाँ पे ये मधुगंगा का उद्गम होता है, और मधुगंगा और उसका मंदाकिनी का जो संगम होता है वो कालीमठ के निकट होता है। फिर कालीमठ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर ये उखीमठ से आगे बढ़ती हुई, उखीमठ भी कौन सी नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। फिर ये पहुंच जाती है दोस्तों आगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंद्रपुरी नामक स्थान, यहाँ पे चंद्रपुरी नामक स्थान है। पूरा दोस्तों मैंने रिवर्स सिस्टम मैप के माध्यम से काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रखा है, ताकि मैप को आप समझ सके और आप यहाँ पे महसूस कर सको कहाँ पे वो रुद्रप्रयाग में बह रही है नदी, जिससे आपको याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो चंद्रपुरी में यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे चुंजागाड़ यहाँ पे इससे संगम करती है मंदाकिनी से। फिर आगे बढ़ती है मंदाकिनी और पहुंच जाती है सूर्यप्रयाग में। तो देखो सूर्यप्रयाग भी कहाँ है दोस्तों, वो रुद्रप्रयाग में है। सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से कौन सी नदी संगम कर रही है, तो वो है लस्तर नदी। ये यहां से लस्तर नदी आ रही है। अब लस्तर नदी का उद्गम दोस्तों देख लेते हैं कहां से हो रहा है। तो जो लस्तर नदी है इसका उद्गम हो रहा है पवाली कांठा बुग्याल से। जो पवाली कांठा बुग्याल है ये यहाँ पे इस प्रकार से टिहरी और उत्तरकाशी में ये फैला हुआ है। तो यहां से टिहरी के पवाली कांठा से ये मंदाकिनी लस्तर नदी आ रही है और यहां से ये पहुंच जाती है खल्याण बांगर क्षेत्र में। ये खल्याण बांगर क्षेत्र यहाँ पे, और यहां से ये लस्तर नदी आगे बढ़ती है और सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है, और फिर सूर्यप्रयाग से आगे बढ़ती हुई मंदाकिनी नदी पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में ये अपनी प्रमुख नदी यानी अलकनंदा से संगम करती है। तो पंच प्रयागों में से यहाँ पे एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है। तो इस प्रकार से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है श्रीनगर की ओर। तो ये कंप्लीट रिवर सिस्टम दोस्तों मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी नदियां हैं रुद्रप्रयाग में वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दी है। अब हम यहाँ पे ताल भी देख लो दोस्तों एक बार। यहाँ पे ये बधाणी ताल है, ये खल्याण बांगर क्षेत्र में, ठीक है। ये देवरिया ताल है यहाँ पे जहाँ पे ये उखीमठ क्षेत्र में यहाँ पे आ सकते हैं, देवरिया ताल है। उसके बाद यहाँ पे देखो वासुकी ताल, जहां से वासुकी गंगा या सोन गंगा का उद्गम होता है। ये चोराबाड़ी ताल है इधर। तो कुछ ये देखो ये प्रमुख ताल थे जो मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब हम सीधे जाते हैं PDF की ओर। रिवर सिस्टम, प्रमुख नदी है रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम मंदराचल श्रेणी केदारनाथ में जो चोराबाड़ी ताल है या जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहां से होता है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से यह संगम करती है। मंदाकिनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सोनगंगा जिसको वासुकी नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम होता है वासुकी ताल से, और इसका संगम सोनप्रयाग में हो जाता है मंदाकिनी से। दूसरी मंदाकिनी की जो सहायक नदी है वो है मधुगंगा, जिसका उद्गम मधमहेश्वर के निकट से होता है और कालीमठ के निकट ये मंदाकिनी से मिल जाती है। तीसरी नदी है क्यूंजागाड़, जो कि चंद्रपुरी में मंदाकिनी से संगम करती है। और चौथी नदी है लस्तर नदी, जिसका उद्गम होता है पवाली कांठा बुग्याल से, और संगम सूर्यप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी से संगम करती है।
और फिर मंदाकिनी नदी आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। इस प्रकार से ये रिवर सिस्टम है रुद्रप्रयाग जनपद का। अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग के प्रमुख ताल और प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहला यहाँ पे चोरावाड़ी ताल, या जिसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी वो इसी चोरावाड़ी ताल में विसर्जित की गई थी। और इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, सरवदी ताल। सरवदी ताल या चोरावाड़ी ताल या गांधी सरोवर कहाँ है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ये रुद्रप्रयाग के आपने देखोगे जहां पे केदारनाथ है, मैप में मैंने आपको समझा रखा है, ये तो केदारनाथ के जस्ट ऊपर है और यहां से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। अब आपको याद होगा दोस्तों 16-17 जून 2013 को जो आपदा आई थी, 2013 को आपदा, वो आपदा क्यों आई थी, इसी चोरावाड़ी ताल में पानी जम गया था, वहां पे जमा हो गया था पानी, जिसके कारण चोरावाड़ी ताल या गांधी सरोवर टूट जाता है और एकदम से पानी का बहाव तेज हो जाता है मंदाकिनी नदी में, जिस कारण से जो केदारनाथ मंदिर है वहां पर क्या आ जाती है, अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। और उस बाढ़ से दोस्तों पूरा रुद्रप्रयाग, आधा पौड़ी, मतलब श्रीनगर, जो भी मतलब अलकनंदा के किनारे जो भी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र दोस्तों प्रभावित हुए थे। तो चोरावाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा भी टूट गया था ऐसा भी माना जाता है, जिसके कारण चोरावाड़ी ताल में पानी जमा हो गया था। और केदारनाथ में आपदा राहत के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सूर्यहोप, ऑपरेशन सूर्यहोप, जो ये आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में, तो इस आपदा से लोगों को बचाने के लिए या आपदा से राहत के लिए सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सूर्यहोप। तो ये आपदा क्यों आई थी मैंने दोस्तों अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। दूसरा जो ताल है दोस्तों वो है देवरिया ताल। ये कहाँ है, तो ये आपका उखी मठ में, उखी मठ के पास। तीसरा है भेंग ताल, ये रुद्रप्रयाग में स्थित एक ताल है जिसका आकार है अंडाकार, अंडाकार आकार, किस ताल का है, तो वह है भेंग ताल का। चौथा है वासुकी ताल, ये वासुकी ताल दोस्तों टिहरी गढ़वाल एवं रुद्रप्रयाग में संयुक्त रूप से है, सीमा में है ना, तो इसलिए वासुकी ताल ये दोनों जनपदों में स्थित है, रुद्रप्रयाग में भी और टिहरी गढ़वाल में भी। इस ताल से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सोनगंगा का उद्गम होता है, ये मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया है। मैप में मैंने थोड़ा नीचे दिखा रखा है, वो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैप में ये वासुकी ताल नीचे दिख गया है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हैं, यहाँ पे, क्योंकि ये तो उत्तरकाशी है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये वासुकी ताल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बधाणी ताल, तो बधाणी ताल ये बांगरपट्टी में है, जखोली की बांगरपट्टी में स्थित है रुद्रप्रयाग में बधाणी ताल। तो पांच प्रमुख ताल है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं रुद्रप्रयाग में। ठंडे कुंडों की बात करेंगे, अमृत कुंड, हंसकुंड, ये आपका केदारनाथ के निकट है, क्योंकि प्रश्न यहां से इस प्रकार से बन सकता है कि केदारनाथ के निकट कौन सा कुंड है। उदक कुंड ये भी केदारनाथ के ही निकट है, और जो रेतस कुंड है दोस्तों ये भी आपका केदारनाथ के ही निकट स्थित है। उसके बाद है नंदी कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, शिव कुंड, और उसके बाद है रुद्रकुंड, मणिकर्णिका कुंड और सरस्वती कुंड। तो ये 12 प्रमुख ठंडे कुंड है दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। गर्म कुंड कौन कौन से हैं रुद्रप्रयाग में स्थित, तो गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड, ये दो गर्म कुंड है रुद्रप्रयाग जनपद में। तो सभी कुंड यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं रुद्रप्रयाग में। इसमें दोस्तों डिटेल्स में बताने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद करने होंगे। बर्मी बुग्याल, चौपता बुग्याल, मदमहेश्वर, कसनी खरक और मननी बुग्याल, ये प्रमुख बुग्याल हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। पांच बुग्याल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बर्मी बुग्याल, चौपता बुग्याल, मदमहेश्वर बुग्याल। देखो चौपता और मधुमहेश्वर बुग्याल ये याद करने आसान है, क्योंकि ये स्थल रुद्रप्रयाग में है। कसनी खरक और मननी बुग्याल ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो विधानसभा क्षेत्र दो हैं रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। तहसील, चार तहसील है रुद्रप्रयाग, उखीमठ, वसुकेदार और जखोली। विकास खंड तीन है, उखीमठ, जखोली और
अगस्त मुनि। जनसंख्या कितनी है तो 242,285। उसके बाद जनघनत्व आप देखोगे तो 122 है, लिंगानुपात 114, साक्षरता है 81.3%, जिसमें पुरुष साक्षरता हो जाएगी 93.90% और महिला साक्षरता हो जाएगी 70.35%। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।